वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टू फॉर वन ट्विस्टर टीएफओ टीएफओ मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो असेंबली वाइंडिंग के बाद हमारी पैकेज जो फीड होता है टीएफओ में और टीएफओ उसमें ट्विस्ट इंसर्ट करता है। टीएफओ हमारी ट्विस्टिंग मशीन है जो असेंबल्ड यार्ड में यानी टू प्लाई थ्री प्लाई यार्ड में जो है ट्विस्ट इंसर्ट करती है। हम रिंग फ्रेम मशीन के बाद पैकेज यार्न की हम वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग पैकेज में हम बिग पैकेज फार्म करते हैं और उस बिग कोन पे मेटल को या चीज पे जनरली कोन पे हम मेटल को वाइंडिंग करते हैं और वाइंडिंग के बाद मेटल को हम असेंबली वाइंडिंग में, अगर हमें डबल यार्न प्रिपेयर करना है, डबल मल्टीपल यार्न मल्टीपल प्लाई प्लाई यार्न हमें प्रिपेयर करना है तो उस केस में हम मेटल की असेंबली वाइंडिंग पे जो है वाइंडिंग करते हैं और वाइंडिंग करके फिर मेटल को हम फिट करते हैं ट्विस्टिंग ड्रम में और टीएफओ पे, और टीएफओ पे हम ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ये हमारा जो है मॉडर्न मेथड है। ओल्ड मेथड में हम रिंग फ्रेम के बाद डायरेक्ट मेटेरियल को बाबिन को हम रिंग डबलर मशीन पे फिट करते थे और रिंग डबलर मशीन से मेटेरियल को हमें डबल प्लाई यार्न अगर प्रिपेयर करना है तो क्रील पे हम रिंग बॉबिन को डबल रिंग बॉबिन के यार्न को हम क्रील पे फिट करके और गाइड रोलर से पास होते हुए हम रिंग डबलर में और रिंग डबलर मशीन पे हम ट्विस्ट इंसर्ट करते थे। ये हमारा ओल्ड मेथड था। ओल्ड मेथड में हमारा प्रोडक्शन रेशियो काफी कम था, प्रोडक्शन काफी कम था और इस मॉडर्न मेथड से जब हम टीएफओ से जो है ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं तो असेंबली वाइंडिंग से हम यार्न को हम असेंबल कर लेते हैं और फिर टीएफओ से हम ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं। इसमें हमारा प्रोडक्शन रेट जो है काफी हाई हो जाता है कंपेयर देन ओल्ड मेथड। तो आइए आज इस लेक्चर को हम डिस्कस करते हैं, टीएफओ मशीन को हम डिस्कस करते हैं कि टीएफओ मशीन हमारी कैसे वर्क करती है, ट्विस्ट कैसे इंसर्ट होता है और प्रोसेस जो है हमारा क्या एडवांटेज है इस टीएफओ मशीन का। आइए देखते हैं। आप इस फिगर में टीएफओ मशीन को देख रहे हैं। टीएफओ यहाँ पे जो एक चीज पैकेज है, पैकेज हमारा जो है असेंबल्ड यार्न है, असेंबल्ड यार्न असेंबली वाइंडिंग पे हम सपोज द टू प्लाई यार्न प्रिपेयर करना है, दो पैकेज से हम दो पैकेज जो हमारे कोन जो कोन वाइंडिंग जो हमारी वाइंडिंग मशीन पे जो है पैकेज जो फार्म हुआ था उसको हम असेंबली वाइंडिंग पे जो है पेग में रख करके और उसको हम वाइंडिंग कर लेते हैं डबल यार्न की हम पैरेलल वाइंडिंग कर लेते हैं और उस पैकेज को हम यहाँ पे फीड करते हैं, इस पैकेज को उस पैकेज को हम इस ड्रम में फीड करते हैं और इस पैकेज में जो हमारे दो प्लाई यार्न है उसमें हम इस मशीन के माध्यम से जो है ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि ट्विस्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, देखते हैं। ये हमारी ट्विफ मशीन है जो आपने ऊपर देखा लाइक दैट ट्विफ मशीन। यहाँ पे जो है ट्विस्ट हमारी इंसर्ट होती है, जो हमारा असेंबल यार पैकेज है चीज पैकेज है वो हम पैकेज को यहाँ पे जो है फिट करते हैं इस स्पिंडल पे और हमारा जो पैकेज है वो स्टेशनरी रहता है और जो हमारा ये स्पिंडल है स्पिंडल के ऊपर जो हमारा स्पिंडल हेड है यहाँ पे हमारी जो आर्म है उसमें हमारा जो पैकेज से यार्न इस हेड से पास होते हुए और इंसर्ट करता है इस स्पिंडल में और स्पिंडल में इंसर्ट करने के बाद यहाँ से आउटलेट होता है। तो पैकेज जब पैकेज से यार्न अनवाउंड होके इसमें इंसर्ट होता है और पैकेज हमारा वाइंडिंग जो हमारा स्पिंडल है स्पिंडल हमारी जो है मूव करता रहता है और इस तरीके से इसमें वह एक ट्विस्ट हमारी जो इंसर्ट होती है इस इनलेट और आउटलेट के बीच में हमारी एक ट्विस्ट इंसर्ट होती है और आउटलेट और इस जो है गाइड यार्न गाइड के बीच में हमारी जो है सेकेंड ट्विस्ट इंसर्ट होती है। इस तरीके से स्पिंडल के एक रोटेशन में इस यार्न में जो है डबल यार्न में जो है दो ट्विस्ट हमारी इंसर्ट होती है, फर्स्ट ट्विस्ट इनलेट और आउटलेट के बीच में और सेकेंड ट्विस्ट आउटलेट और इस गाइड यार्न गाइड के बीच में हमारी सेकेंड ट्विस्ट इंसर्ट होती है। इस तरीके से यानी हमारे स्पिंडल के एक रोटेशन में स्पिंडल हमारा एक रोटेशन करता है और उस एक रोटेशन में यार्न में दो ट्विस्ट इंसर्ट होती है, इसलिए इस मशीन को हम टू फॉर वन ट्विस्टर कहते हैं। यानी नंबर ऑफ ट्विस्ट पर मीटर, अगर हमें नंबर ऑफ ट्विस्ट पर मीटर कैलकुलेट करना है तो स्पिंडल स्पीड इन आरपीएम
स्पिंडल स्पीड इन आरपीएम डिवाइड बाय यार्न लेंथ मीटर में पर मिनट, यानी जो हमारा यार्न जो वाइंडिंग हो रहा है उसका स्पीड है कि हमारे यार्न जो है कितना लेंथ जो है वाइंडिंग हुआ एक मिनट में, उससे हम डिवाइड करते हैं और तो हमारी ट्विस्ट निकलती है। और ट्विस्ट हमारी दो ट्विस्ट यानी एक रोटेशन में दो ट्विस्ट इंसर्ट हुई है, इस वजह से हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी नंबर ऑफ ट्विस्ट पर मीटर जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस टीएफओ में। अगर टीएफओ में हमें नंबर ऑफ ट्विस्ट पर मीटर कैलकुलेट करना है तो इस फार्मूले के इस्तेमाल से नंबर ऑफ ट्विस्ट पर स्पिंडल और पर मीटर हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये टीएफओ मशीन की वर्किंग को हम देख रहे हैं कि टीएफओ मशीन हमारी कैसे वर्किंग करती है। आगे बढ़ते हैं, पैसेज ऑफ यार्न इन टू फॉर वन ट्विस्टर। ये टू फॉर वन ट्विस्टर में पैसेज यार्न हमारे यार्न कैसे कैसे पास होगा और कैसे ट्विस्ट इसमें इंसर्ट होगी, तो आइए देखते हैं। ये हमारा जो है स्पिंडल ड्रम है, स्पिंडल ड्रम में हम पैकेज को जो हमारा असेंबली वाइंडिंग से पैकेज हमने रिसीव किया डबल यार्न का जिसको में हमें ट्विस्ट इंसर्ट करना, उस पैकेज को हम यहाँ पे फिट कर देते हैं। और फिट करने के बाद जो यार्न एंड है उसको हम यहाँ से इस जो स्पिंडल है स्पिंडल हेड के ऊपर जो हमारी आर्म है मूविंग आर्म है उससे यार्न को पास होते हुए स्पिंडल के साइड के इन साइड से हम पास करते हैं और एक ट्विस्ट हमारा जो है इस आउटलेट से पहले यानी इन एंट्री पॉइंट और आउटलेट के बीच में हमारी एक ट्विस्ट इंसर्ट होती है और यार्न आउटलेट और इस यार्न गाइड के बीच में हमारी सेकेंड ट्विस्ट इंसर्ट होती है। तो इस तरीके से यार्न पैकेज से जो हमारा यार्न जो है अनवाइंड होते हुए स्पिंडल के इनसाइड से पास होते हुए यार्न आउटलेट से जो है यार्न हमारा बाहर निकलता है और यार्न गाइड से पास होते हुए यार्न टेकअप रोलर से पास होते हुए और वाइंडिंग हमारी इस पैकेज की जो है वाइंडिंग हो जाती है कोन या चीज फार्म में जो है पैकेज पे जो है डबल डबल ट्विस्टेड यार्न। अब हमारा जो यार्न था वो डबल यार्न था बट ट्विस्ट नहीं थी, इस पैकेज में है जो असेंबली वाइंडिंग का पैकेज है वो डबल यार्न है बट ट्विस्ट नहीं है। बट जब टीएफओ से हम यार्न को जो है पास कर देते हैं तो डबल यार्न में हमारी जो है ट्विस्ट इंसर्ट हो जाती है और ट्विस्ट एज पर रिक्वायरमेंट हम जो है ट्विस्ट जो हमें कितना ट्विस्ट इंसर्ट करना उस हिसाब से हम टीएफओ मशीन में जो है सेटिंग करते हैं और हम ट्विस्ट इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये बालून सेपरेटर हमारी डिवाइस है, जो ये बालून फार्म हो रहा है इसको सेपरेट करने के लिए एक स्पिंडल से दूसरे स्पिंडल में हमारे बालून टच ना हो यहाँ पे हमारा बालून सेपरेटर लगा रहता है जो इस बालून को इनसाइड ये बालून सेपरेटर के इनसाइड से हमारा जो है यार्न पास होता है। रोटेटिंग स्पिंडल हमारा स्पिंडल है, इस स्पिंडल को रोटेट करने के लिए जो है ये हमारी बेल्ट है जो स्पिंडल को जो है रोटेशन प्रोवाइड करती है। इस तरीके से ये हमारा जो है टीएफओ की मेटल हमारा पास होता है और वर्किंग हमारी कंप्लीट होती है टीएफओ की। असेंबली वाइंडिंग एंड टू फॉर वन ट्विस्टर, यहाँ पे जो है हम पिक्चर के माध्यम से हम सबसे पहले हम अगर हमें टीएफओ कर मटेरियल को टीएफओ पे फीट करना है तो हम पैकेज को असेंबली वाइंडिंग यानी जो हम कोन वाइंडिंग यानी ऑटो कोनर से जो हमने पैकेज जो फार्म किया है उस सिंगल यार्न का सिंगल यार्न के पैकेज को हम यहाँ पेक पे होल्ड कर देते हैं और अगर हमें डबल यार्न प्रोड्यूस करना है तो सेम टेंशन प्रोवाइड करते हुए हम इस चीज फार्म में मेटल की वाइंडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कंपलसरी है कि मेटल हमारा यहाँ पे जो फीड होगा वो चीज फार्म में ही यानी चीज पैकेज पे ही मेटेरियल हमारा जो है वाइंडिंग होनी चाहिए, कौन फार्म में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम मेटल की जो है चीज पैकेज पे वाइंडिंग करने के बाद हम इस चीज पैकेज को हम फिट करते हैं ऑटो कोनर ड्रम पे और ड्रम से जो है मेटेरियल जो है पास होते हुए और ट्विस्ट मेटल में ट्विस्टिंग जो है मेटल में ट्विस्टिंग होती है यार्न में ट्विस्ट इंसर्ट होते हैं। यहाँ पे हम मेटल की कोन या चीज फार्म में हम वाइंडिंग कर लेते हैं। तो असेंबली वाइंडिंग सबसे पहले अगर हमें टीएफओ पे मेटल को जो है ट्विस्ट करना है तो असेंबली वाइंडिंग में हम डबलिंग करते हैं और फिर पैकेज को हम टीएफओ पे जो है फिट करके और ट्विस्ट इंसर्ट करते हैं। यानी टीएफओ केवल और केवल ट्विस्ट इंसर्ट करता है मेटल में। तो इस तरीके से हम टीएफओ मशीन को जो है फिगर के माध्यम से हमने समझा। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टू फॉर वन ट्विस्टर फिगर टू, यानी जो हमारा फिगर टू ऊपर जो हमारा फिगर था
फिगर टू, यहाँ पे आप जो है ध्यान से देख लीजिए फिगर टू को, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। फिगर टू शो ए सिस्टमेटिक ऑफ द टू फॉर वन ट्विस्टिंग प्रोसेस। फिगर टू शो ए सिस्टमेटिक ऑफ टू फॉर वन ट्विस्टिंग प्रोसेस इन असेंबली वाउंड पैकेज दैट इज टू यार्न असेंबल्ड ऑन टू वन पैकेज विदाउट एनी ट्विस्ट, यानी इज यूजली यूज्ड एज स्टेशनरी सप्लाई पैकेज। यानी जो हमारा स्टेशनरी सप्लाई पैकेज है वो असेंबली वाइंडिंग पे हमने उस की जो है टू आर मोर यार्न में जो हमने पैरेलल वाइंडिंग किया है और उस पैकेज को हम फिट करते हैं टीएफओ पे। द सप्लाई यार्न इज थ्रेडेड थ्रू ए गाइड माउंटेड ऑन द फ्रीली रोटेटिंग फ्लायर एंड देन पासिस थ्रू द हॉलो रोटेटिंग स्पिंडल। यानी जो हमारा सप्लाई पैकेज से जो है यार्न जो है अनवाउंड होकर के हम उसको जो है थ्रेडेड थ्रू ए गाइड माउंटेड ऑन फ्रीली रोटेटिंग फ्लायर, यानी जो हमारे स्पिंडल है स्पिंडल के ऊपर हमारा एक फ्लायर लगा होता है और उस फ्लायर के एक साइड में गाइड से वहां से हमारा यार्न जो है पास होकर के इंटर करता है स्पिंडल के हॉलो पोर्शन से जो हमारा यार्न जो है इंटर करता है। एट द बेस ऑफ द स्पिंडल द यार्न कम्स आउट फॉर्मिंग ए बालून, और जो बेस है जो हमारा जो स्पिंडल का बेस है वहां से हमारा यार्न जो है आउट होता है यानी बाहर की तरफ निकलता है एंड देन गोज ऑन टू वाइंडिंग हेड वाया द यार्न गाइड, और वहां से जो है यार्न हमारा पास होते हुए यार्न गाइड से पास होते हुए और हमारी वाइंडिंग जो है यार्न की वाइंडिंग हो जाती है कोन या चीज फार्म में। ईच रोटेशन ऑफ द स्पिंडल विल इंसर्ट वन टर्न ऑफ ट्विस्ट इन द लेंथ ऑफ यार्न विद इन द स्पिंडल। ईच रोटेशन ऑफ द स्पिंडल यानी स्पिंडल के एक रोटेशन में प्रत्येक रोटेशन में या ईच रोटेशन ऑफ द स्पिंडल विल इंसर्ट वन टर्न ऑफ ट्विस्ट, यानी एक रोटेशन में हमारी एक जो है ट्विस्ट इंसर्ट होती है इन द लेंथ ऑफ द यार्न विद इन द स्पिंडल प्लस एनदर टर्न ऑफ ट्विस्ट इन द यार्न बालून, यानी जो स्पिंडल के अंदर एक हमारी ट्विस्ट इंसर्ट होती है और एक ट्विस्ट हमारी जो है जो बालून फॉर्म होता है उस बालून में हमारी सेकेंड ट्विस्ट जो हमारी इंसर्ट होती है। एज ए रिजल्ट टू टर्न ऑफ ट्विस्ट आर इंसर्टेड इनटू द यार्न फॉर ईच रोटेशन ऑफ द स्पिंडल, यानी इस तरीके से जो हमारे स्पिंडल के एक रोटेशन में दो ट्विस्ट जो हमारी इंसर्ट हो जाती हैं। हेंस द नेम टू फॉर वन ट्विस्टिंग, और इस तरीके से हम इस मशीन को टू फॉर वन ट्विस्टिंग मशीन यानी टीएफओ मशीन जो हम नाम देते हैं इस ट्विस्टिंग मशीन को। प्रिंसिपल ऑफ टू फॉर वन ट्विस्टिंग, यहाँ इस फिगर के माध्यम से हम ट्विस्टिंग ऑपरेशन को समझेंगे कि फर्स्ट हमारी ट्विस्ट कहाँ पे इंसर्ट होती है और सेकेंड ट्विस्ट हमारी कहाँ पे इंसर्ट होती है और दोनों ट्विस्ट मिलके हमारी यार्न को कैसे सेकेंड डबल यार्न डबल ट्विस्ट जो है प्रोवाइड करती है। तो हम यहाँ पे टीएफओ की जो वर्किंग है उस हमारा जो है इस फ्लायर से पैकेज से यार्न जो है फ्लायर से पास होते हुए फ्लायर गाइड से पास होते हुए इंसर्ट करता है स्पिंडल के अंदर इंसर्ट होता है और हमारी जो फर्स्ट ट्विस्ट जो इंसर्ट होती है इस स्पिंडल के अंदर जब हमारा यार्न इंसर्ट होता है तो फर्स्ट ट्विस्ट हमारी इस इनलेट और आउटलेट के बीच में हमारी फर्स्ट ट्विस्ट इंसर्ट होती है और आउटलेट ये हमारा जो है बॉटम पोर्शन पे आउटलेट पोर्शन है। जब हमारा यहाँ पे आउटलेट होता है यार्न आउटलेट होता है वहां हम जो है यार्न को जो है रोटेशन मिलता है और यार्न में जो है सेकेंड ट्विस्ट इंसर्ट होती है इस गाइड और आउटलेट पोर्शन के बीच में। तो इस तरीके से हमारी सेकेंड ट्विस्ट इंसर्ट हो गई, यानी एक रोटेशन में फर्स्ट ट्विस्ट इनसाइड एंड सेकेंड ट्विस्ट जो है इस बालून जो फॉर्म हो रहा है इसमें हमारी सेकेंड ट्विस्ट इंसर्ट होती है। इस तरीके से एक रोटेशन में हमारी दो ट्विस्ट इंसर्ट होती है, यानी स्पिंडल का एक रोटेशन में दो ट्विस्ट इंसर्ट होती है और यहाँ पे जो है कंप्लीट फुल ट्विस्ट हमारी जो है शो होती है, फर्स्ट एंड सेकेंड जो है कंबाइंड मिलती है और यार्न में जो है टू ट्विस्ट जो है एक रोटेशन में इंसर्ट हो जाती है। इस तरीके से हम इस मशीन को टू फॉर वन यानी स्पिंडल के एक रोटेशन में टू ट्विस्ट जो इंसर्ट होती है इसलिए हम इसको टू फॉर वन ट्विस्टर कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टू फॉर वन ट्विस्टिंग, किस प्रिंसिपल पे किस तरीके से हमारे जो है मशीन वर्क करती है। द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इज इलुस्ट्रेटेड इन द फिगर थ्री विच शो हाउ द यार्न अंडरगोज अ फर्स्ट ट्विस्ट बिटवीन द एंट्री इन टू एंड एग्जिट फ्रॉम द स्पिंडल ए टू बी।
एंड द सेकेंड ट्विस्ट बिटवीन द पॉइंट बी एंड द थ्रेड गाइड सी. और सेकेंड ट्विस्ट जो है हमारी जो है पॉइंट बी यानी बी और सी के बीच में इंसर्ट होती है. दिस इज पॉसिबल बिकॉज द डबल यार्न पैकेज डज नॉट मूव. और ये जो है जो हमारा पैकेज है जो स्टेशनरी पैकेज यानी असेंबल असेंबली वाइंडिंग से जो पैकेज को हमने फिट किया है वो हमारा पैकेज जो है स्टेशनरी होता है, वो पैकेज हमारा मूव नहीं करता है. इनस्टेड इट इज द यार्न दैट रिवॉल्व अराउंड द पैकेज. और यार्न जो है पैकेज के अराउंड जो है मूव करता है, पैकेज हमारा स्टेशनरी होता है. द ट्विस्टेड यार्न इज देन वाउंड फॉर्मिंग वन पैकेज पर स्पिंडल लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द मशीन. और इस तरीके से हमारी जो मशीन है उसमें कई स्पिंडल है और एक एक स्पिंडल से एक एक पैकेज हमारे फॉर्म होते हैं. साइलेंट फीचर ऑफ TFO. TFO मशीन के हम साइलेंट फीचर को डिस्कस करेंगे. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ काउंट एंड यार्न टाइप्स यानी हम डिफरेंट काउंट और डिफरेंट टाइप के यार्न को हम जो है आसानी से इस TFO मशीन पे हम जो है वाइंडिंग ट्विस्टिंग कर सकते हैं. डिफरेंट काउंट 6x6 काउंट टू 2x102 काउंट ऑफ यार्न एंड वेरीज ऑफ यार्न सच एज कॉम्ड वार्प होजरी ब्लेंडेड पीवी एंड पीसी पॉलिस्टर विस्कोस एंड एक्रेलिक इज प्रोड्यूस ऑफ द टोटल काउंट मैन्युफैक्चर स्लाइटली ओवर 1/2 आर कॉटन यार्न व्हाइल द पॉलिस्टर ब्लेंडेड यार्न अकाउंट फॉर अबाउट 1/4 नंबर ऑफ प्लाइज रेंज फ्रॉम 2 to 6 इन द कॉटन काउंट्स. यहाँ पे जो है डिफरेंट वेराइटी डिफरेंट काउंट को हम आसानी से TFO में हम ट्विस्टिंग जो है ट्विस्ट इंसर्ट कर लेते हैं. ट्विस्ट डायरेक्शन नॉर्मली फोल्डेड यार्न हैव द डबल ट्विस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द स्पिनिंग ट्विस्ट. नॉर्मली द फोल्डेड यार्न हैव द डबल ट्विस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्पिनिंग ट्विस्ट. जो हमारी स्पिनिंग यार्न में यानी सिंगल यार्न में जो हमारी ट्विस्ट है जनरली हम फोल्डेड यार्न में उसके अपोजिट है ट्विस्ट हम इंसर्ट करते हैं. दैट इज डायरेक्शन ऑफ द ट्विस्ट इन द रिंग यार्न इज जेड एंड द डायरेक्शन ऑफ द डबल यार्न ट्विस्ट इज यस. यानी रिंग फ्रेम में हमारी यस ट्विस्ट है तो हम ट्विस्टिंग में जो है यानी TFO में हम यस ट्विस्ट प्रोवाइड करते हैं, यस ट्विस्ट देते हैं. हाउएवर फॉर स्पेशल एप्लीकेशन देयर आर यार्न विथ ट्विस्ट ऑन ट्विस्ट. और किसी जो है स्पेशल केस में जब हमें हाई ट्विस्टेड यार्न प्रोड्यूस करना होता उसके उसमें हम जो है ट्विस्ट ऑन ट्विस्ट यानी जेड के ऊपर हम जेड ट्विस्ट जो है प्रोवाइड करते हैं. विद द फोल्डिंग ट्विस्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द स्पिनिंग ट्विस्ट से जेड ऑन जेड ट्विस्ट. टाइप ऑफ स्पिंडल ड्राइव स्पिंडल को जो ड्राइव कैसे मिलती है. जनरली TFO ट्विस्टर आर वर्किंग विद द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ स्पिंडल ड्राइव अरेंजमेंट. टेंजेंशियल बेल्ट ड्राइव यूजेस वन सिंगल लॉन्ग बेल्ट ड्राइव ऑल द स्पिंडल थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड टेंशनिंग अरेंजमेंट. फोर स्पिंडल टेप ड्राइव इन दिस केस एवरी फोर स्पिंडल इज ड्रिवन बाई सिंगल लॉन्ग बेल्ट एंड टेंशनिंग अरेंजमेंट इज गिवेन इंडिविजुअली. साइज ऑफ प्रोटेक्शन पॉट यानी आपने जो पॉट देखा उस पॉट को जो है हम कैसे उस साइज उसकी साइज क्या होती है प्रोटेक्शन पॉट की. द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर TFO ट्विस्टर इज टू ए हाउस ए सिलिंड्रिकल स्टेशनरी फिट पैकेज एंड प्रोवाइड सपोर्ट एट द टाइम ऑफ अनवाइंडिंग ऑफ यार्न फ्रॉम द पैकेज ड्यूरिंग वर्किंग. जब ये जो है जो हमारा TFO का जो पैकेज है उसको जो है सपोर्ट जो है प्रोवाइड करता है ये हमारा जो ड्रम है. फॉर द पर्पज द यार्न रिक्वायर ए प्रोटेक्शन पॉट अराउंड द पैकेज. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन पॉट आर टू प्रोटेक्ट द फिट पैकेज फ्रॉम डैमेज फैसिलिटेट स्टार्टअप ऑफ द बालून. सेकेंड नेक्स्ट सेपरेट द बालून एंड फिट यार्न टू अवॉइड एब्रेजन एंड प्रोटेक्ट द फिट यार्न फ्रॉम द डस्ट एंड फ्लाई. नॉर्मली द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्शन पॉट डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द फिट पैकेज. क्लोजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्शन पॉट टू आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फिट पैकेज. Thus, space utilization percentage for the particular type of machine is higher. Pot size range from 120 mm to 220 mm.
स्पेसिफिकेशन फॉर टू फॉर वन ट्विस्टर, यहाँ पे जो है हम इस कुछ मशीन के स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। यार फिट पैकेज असेंबली वाउंड ऑन चीज, जो है हम जो मेटल जो फिट करते हैं वो हमारा मेटल कैसा होता है, किस फॉर्म में होता है, असेंबली वाउंड ऑन चीज, असेंबली बाइंडिंग पैकेज होगा और चीज फॉर्म में होगा। लेंथ एमएम में 25,500, मशीन की मैकेनिकल स्पीड 15,000 आरपीएम, मोटर 50 आरएच हॉर्स पावर, नंबर ऑफ स्पिंडल 192, मैक्सिमम टीपीएम रेंज 157 टू 2000, स्पिंडल पिच 250 mm, ट्रेवर्स लेंथ 6 इंच टू 152 mm, विथ और मशीन की जो है जो टीफो मशीन है विथ 850 mm, ये एक स्पेसिफिकेशन है मशीन का। आगे हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफर्ड बाय टू फॉर वन ट्विस्टर, यानी टू फॉर वन ट्विस्टर मशीन का क्या एडवांटेज है। टू टर्न विथ वन स्पिंडल रोटेशन, जो सबसे मेजर जो एडवांटेज है टू टर्न विथ वन स्पिंडल रोटेशन, यानी स्पिंडल के एक रोटेशन में जो है टू ट्विस्ट हमारी जो है इंसर्ट होती है। लार्ज नॉट फ्री यार्न लेंथ, डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ ट्विस्टेड यार्न ऑन द कोन और चीज, इलिमिनेटिंग रीवाइंडिंग प्रोसेस, यानी डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ ट्विस्टेड यार्न, हम कोन या चीज फार्म में जिस फार्म में हम ट्विस्टेड यार्न हमें चाहिए उस फार्म में हम डायरेक्ट जो है वाइंडिंग करते हैं, रीवाइंडिंग प्रोसेस इलिमिनेट हो जाता है। ट्विस्टिंग विदाउट रिंग एंड टेबलर, और जो हम ओल्ड मेथड में रिंग डबलर मशीन से जो है ट्विस्टिंग करते थे, यहाँ पे जो है रिंग और ट्रेवलर जो हमारे इलिमिनेट हो जाते हैं, यानी ट्विस्टिंग विदाउट रिंग एंड ट्रेवलर, यहाँ पे जो है रिंग और ट्रेवलर की आवश्यकता नहीं होती है ट्विस्ट इंसर्ट करने के लिए। नो डिफॉर्म ट्विस्टर बॉबिन, नो डिफॉर्म ट्विस्टर बॉबिन, नो डबल थ्रेड्स, वैक्सिंग कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट, अगर हमें वैक्सिंग यान के ऊपर वैक्सिंग करने हैं तो इस स्पिंडल फ्लायर के हेड के ऊपर हम जो है वैक्सिंग डिवाइस को फिट कर देते हैं और यान वहां से हमारा पास होता है और वैक्सिंग हम एक्शन जो है परफॉर्म हो जाता है। हायर प्रोडक्शन पर स्पिंडल, और हम इस टीएफओ के माध्यम से जो है प्रोडक्शन का रेट हमारा काफी हाई हो जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ड मीडियम एंड सॉफ्ट पैकेज विथ लेस एडजस्टमेंट, और एक जो है नॉर्मल एडजस्टमेंट से हम जो है हार्ड पैकेज, मीडियम और सॉफ्ट पैकेज को हम फॉर्म कर लेते हैं। इजियर चेंज ओवर फ्रॉम यस टाइप ट्विस्ट टू जेट टाइप एंड वाइस वर्सा, आसानी से हम यस ट्विस्ट से जेट ट्विस्ट और जेट ट्विस्ट से यस ट्विस्ट से हम आसानी से जो है मशीन को चेंज कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ ट्विस्टिंग डिफरेंट यार्न काउंट विद सेम ट्विस्ट ऑन द मशीन, इंक्रीज लूम सेट इफिशंसी एंड लो मेंटेनेंस, और जो हमारी लूम सेट की लूम की इफिशंसी इस यार्न के हेल्प से हमारी बढ़ जाती है और मशीन में मेंटेनेंस कॉस्ट यानी मेंटेनेंस का जो है काफी कम होता है। इस तरीके से हमारी ट्विस्टिंग मशीन जो है काफी बेनिफिशियल होती है ट्विस्ट डबल यार्न में जो है ट्विस्ट को इंसर्ट करने के लिए, प्लाई यार्न में ट्विस्ट को इंसर्ट करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि इस लेक्चर के माध्यम से आप ट्विस्टिंग यानी टीएफओ मशीन को आप आसानी से समझ गए होंगे, इसके प्रिंसिपल को समझ गए होंगे, वर्किंग को समझ गए होंगे, क्या एडवांटेज है इस मशीन का आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।